हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि भाई मेरे पिछले वीडियोस में मेरे को ये कमेंट्स आए कि भाई तूने जो वीडियो अपलोड किया है वहाँ पे MT15 नहीं है, वहाँ पे MT07 ही है। तो भाई मैं ये बोलना चाहूँगा, आप सभी का जो डाउट्स है MT15 के ऊपर, जो उनकी न्यू मॉडल आने वाली है, कब तक आएगी, सब चीज़ों के डाउट्स आप लोगों का फुल्ली क्लियर करने वाला हूँ आज मैं। बस आप सभी से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग भाई चैनल पर नए हो, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जो है दबा दीजिए एंड वीडियो को जो है एंड तक देख लेना, क्योंकि भाई सारे डाउट्स जो है मैं क्लियर करूँगा आप लोगों के लिए कि भाई MT15 का जो न्यू मॉडल है वो कब तक लॉन्च हो जाएगी, ठीक है ना। सो अगर हम लोग बात करें MT15 की जो न्यू मॉडल है उसमें हम लोगों को पावर में क्या डिफरेंस मिलेगा या फिर नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें इसकी जो सीसी है, तो ये हम लोग को 155 सीसी में मिलती है, सिंगल सिलेंडर बाइक है एंड जो है फोर वॉल्व सिलेंडर है, ठीक है ना। सो गाइस, यहाँ पे जो है हम लोगों को पावर में डिफरेंस नहीं मिलने वाला है, मतलब कि पावर में डिफरेंस जो है वो हम लोग को 0.2 Nm या फिर 1 Nm टॉर्क हम लोग को ज़्यादा बढ़ेगा, या फिर गाइस हम लोगों को 0.2 BHP पावर कम हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि अभी जो है MT15 में हम लोगों को 18.23 BHP पावर मिलता है 10,000 RPM एंड 13.9 Nm टॉर्क एंड 8,500 RPM। तो अगर हम लोग R15 वर्जन 4 या फिर R15 M की बात करें तो वहाँ पे जो है हम लोगों को 18.4 BHP उसका भी पावर हो गया है एंड जो टॉर्क था उसमें हम लोगों को वर्जन 3 में हम लोगों को 14.1 मिलता था, लेकिन इसमें हम लोगों को 14.2 मिला है, मतलब क्या 0.1 Nm टॉर्क जो है वो बढ़ चुका है। सो यहाँ पे हम लोग ये सोच सकते हैं कि 13.9 Nm जो टॉर्क था वो अभी बढ़ेगा जरूर से ज़रूर, मतलब कि यार 14 Nm टॉर्क वो कंपलसरी हो जाएगा एंड जो है पावर जो है हम लोग को 18.23 BHP मिलता था वो शायद से सेम रह सकता है या फिर वही 0.2 BHP कम भी हो सकता है। एंड गाइज, इसमें जो है आप सभी ये बोल रहे हो कि भाई MT15 का लुक्स में हम लोगों को चेंजेस नहीं मिलने वाले, सिर्फ वो फीचर्स में हम लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो गाइस, मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई हम लोग जो पहले सोच रहे थे कि भाई R15 वर्जन 4 या फिर R15 M जो है वो उसी टाइप का आएगा, बस हम लोगों को USD सस्पेंशन मिल जाएंगे। सो गाइस, ये यहाँ पर वही टाइप का केस है कि भाई R15 जैसे ही हम लोगों को जिस टाइप का मिला है उसी टाइप का हम लोगों को MT15 जो है MT07 से इंस्पायर्ड मिलेगा। पीछे के साइड आई डोंट थिंक सो कि लुक्स में चेंजेस किया जाएगा, लेकिन हाँ सीट थोड़ा सा छोटा है उसको शायद से बढ़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। पीछे का जो सीट है उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, MT15 या फिर MT03 जैसा थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं एंड आई थिंक स्प्लिट सीट भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई जो फ्रंट का लुक है वो हम लोगों को सेम यामाहा MT07 से इंस्पायर्ड देखने को मिलेगा, उसी टाइप का डिटो हम लोगों को मिलेगा, बस छोटे मोटे ग्राफिक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। लेकिन जो बीच का जो प्रोजेक्टर हेडलाइट MT15 में थोड़ा सा छोटा मिलता था, लेकिन भाई अभी जो MT15 न्यू मॉडल आने वाली है वहाँ पर हम लोगों को बड़ा एक जो प्रोजेक्टर हेडलाइट है उसमें हम लोगों को थोड़ा सा बिग देखने को मिलेगा एंड ब्राइट भी होने वाला है, जैसे MT15 में काफ़ी अच्छा लाइट हम लोगों को मिलता है, लेकिन भाई अभी जो MT15 आने वाली है उसमें हम लोगों को थोड़ा सा बड़ा एंड ब्राइट लाइट भी मिलने वाली है, मतलब कि नाइट में आप लोगों को अभी कुछ भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है उस गाड़ी में, ठीक है। सो गाड़ी में हम लोगों को हैजार्ड लाइट का ऑप्शन जरूर से जरूर मिलने वाला है एंड भाई जो सबसे मेन चीज़ है USD सस्पेंशन हम लोगों को मिलेगा KYC का, जो जैसे कि R15 वर्जन 4 या फिर R15 M में मिलता है। एंड और कुछ डाउट्स है मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे को DM आए कि भाई हम लोगों को जो एल्युमिनियम स्विंगा में क्या हम लोगों को सारे मॉडल्स में मिलेंगे या फिर R15 M एंड R15 वर्जन 4 जैसा होने वाला है। सो गाइस, मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई R15 M जैसा हुआ था उसी टाइप का हम लोगों को एक नहीं तो दो वेरियंट्स मिलेंगे जो कि एल्युमिनियम स्विंगा वाला होने वाला है, लेकिन जो R15 वर्जन 4 है वहाँ पर हम लोगों को एल्युमिनियम स्विंगा नहीं मिल रहे, उसी टाइप का यहाँ पर MT15 में भी मिलेगा उसी टाइप का, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो वेरियंट्स आने वाली है एंड गाइज दोनों ही वेरियंट्स में हम लोगों को जो क्विक शिफ्टर है हम लोगों को दोनों वेरिएंट्स में नहीं मिलने वाले, सिर्फ अपर वेरिएंट्स में मिलेगी कोई शिफ्टर एंड जो है ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो हम लोगों को सारे वेरिएंट्स में मिलेंगी। एंड कलर स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो गाइज हम लोगों को 5 नहीं तो 4 कलर स्कीम जरूर जरूर मिलेंगे, एक तो भाई व्हाइट कलर जरूर जरूर मिलेगा एंड MotoGP एडिशन सभी को पता है कि मिलने वाला है, ठीक है ना।
और एक भाई ब्लू कलर जरूर से जरूर भाई इस बार मिलेगा, क्योंकि भाई ब्लू कलर जो है, पहले जो ब्लू कलर हम लोग को मिलता था MT-15 में, उसका थोड़ा कलर जो था ज़्यादा डार्क हो जा रहा था। मतलब कि यार यामाहा का जो पर्सनली यामाहा का जो ट्रेडमार्क है ब्लू, उस टाइप का ब्लू हम लोगों को वहाँ पर नहीं मिला था। तो इस बार शायद से वो ब्लू और वाइट जैसा कि MT-03 में मिलता है उसी टाइप का शायद से ये लोग दे सकते हैं, या फिर नॉर्मल ब्लू कलर भी दे सकते हैं। एंड गाइस एक ब्लैक कलर जरूर जरूर रहने वाला है, ठीक है ना। ये कुछ कलर स्कीम था। एंड भाई डिजिटल कंसोल हम लोगों को सेम यामाहा R15 वर्जन 4 या फिर R15M जैसा ही मिलेगा, जिस जैसा ही हम लोगों को फीचर्स वगैरह मिलता था, राइडिंग मोड्स वगैरह मिलता था, उसी टाइप का मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ पे हम लोग कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन बस इसी में है कि भाई पीछे का जो लुक है वो शायद से चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, क्योंकि R15M में हम लोगों को पीछे का लुक कुछ भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिले। सिर्फ साइड जो फेयरिंग है वहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग किया गया, एंड फ्रंट फेयरिंग फुल्ली चेंज है, एंड टैंक जो है वहाँ पर चेंज किया गया। सो यहाँ पर जो है MT-15 में भी जो है हम लोगों को टैंक और जो साइड फेयरिंग है वहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाएगा, एंड फ्रंट का जो लुक है वो हम लोगों को सेम MT-07 जैसा ही मिलेगा, वहाँ पे हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। और प्राइसिंग जो है भाई, प्राइसिंग काफ़ी अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि भाई आप लोग अगर ड्यूक N25 को देखोगे ना, वहाँ का उसका जो एक शोरूम प्राइस है R15 वर्जन 4 से भी ज़्यादा है। मतलब कि यार R15 वर्जन 4 का 168,600 एंड ड्यूक N25 का जो 170,000 हो गया है। मतलब कि यार भाई 125cc का गाड़ी इतना, मतलब कि पावर भी ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग ज़्यादा कुछ फीचर्स भी नहीं मिल रहे, लेकिन भाई 1,70,000 कुछ भी यार हद है। मतलब कि KTM क्या ही कर रहा है। एंड जो न्यू मॉडल अभी लॉन्च करने वाला है KTM RC125, उसका भी एक वीडियो में लाऊंगा गाइस। अभी फिर से स्पॉटेड किया गया RC125 को, उसका वीडियो आज नहीं तो कल सुबह ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो वहाँ उसके लिए जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि सभी को पता है KTM 125 ड्यूक जो उसका जो प्राइसिंग 170,000 है, एंड ये जो MT-15 आने वाले इसका जो प्राइसिंग होने वाला है 160,000 होने वाला है, ठीक है ना। मैक्सिमम 60,000 होगा, जो कि टॉप मॉडल होगा, जो कि एल्युमिनियम स्विंगम वाला होगा उसका, लेकिन प्राइसिंग 165 तक जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग को एल्युमिनियम स्विंगम एंड जो क्विक शिफ्टर है वहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड कलर्स जो है काफ़ी अच्छे खासे कलर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, जैसे कि R1 जैसे मिला है उसी टाइप का MT-10 जो है उसी टाइप का हम लोग को मिलेगा, ठीक है ना। तो MT-09 या फिर MT-10, ठीक है ना, 10, तो उसी टाइप का हम लोग को कलर्स यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जैसे कि R1M एंड R1 में हम लोग को देखने को मिला उसी टाइप का यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो गाइज ये था आप लोगों का सारे डाउट्स जो है सारे मैं क्लियर कर चुका, जो भी मेरे को क्वेश्चन आए थे वहाँ पे मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारे डाउट्स जो क्लियर कर चुका। आप सभी को अगर और कुछ भी डाउट्स है तो मेरे को कमेंट्स में बताना, तो मैं वहीं पे आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। एंड भाई आप सभी से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन जो दबा दीजिए, एंड वीडियो को जो लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो यही यार मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।